Suresh ji, the marathon man of India. Mr. Tebrewal from AU Bank. Honorable police officers. Mr. J.D. Maheshwari ji, Pandit ji, और यहाँ के पार्षद गण सबका वर्ल्ड ट्रेड पार्क की तरफ से आपका मैराथन में स्वागत है। और मैराथन मैंने और जब मिश्रा जी ने इसकी सबसे पहले कल्पना की कि ऐसी क्या चीज़ हो जो पूरे जयपुर को एक नए त्यौहार के रूप में मिले, तो जयपुर इज़ वेरी मच नोन, एक बड़े अच्छे त्यौहार मनाते हैं अपन, संक्रांति मनाते हैं, ये मनाते हैं, तो उसी तरह से जयपुर मैराथन अब जयपुर का एक त्यौहार बन चुका है और ये 10वां संस्करण है। 10 साल तक मैराथन ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं और मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि ये इंडिया की सबसे बड़ी मैराथन बन चुकी है। मोर देन 80,000 पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मैराथन, विच इज़ अ रिकॉर्ड। इतनी बड़ी मैराथन, पहले आप सुनते थे लोग मुंबई मैराथन और इसकी चर्चा करते थे, मैराथन एक शहर की पहचान होती है और जयपुर से बढ़िया ट्रैक भी नहीं है कहीं दौड़ने का, तो ये एक जयपुर की खासियत है, इसकी हेरिटेज प्लानिंग की खासियत है। जयपुर की मॉडर्न बिल्डिंग्स को जब मैराथन की स्क्रीन पे देखा जाता है तो पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाता है। पहले बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसके साथ जुड़ते थे, सलमान जी पहले 3 साल ब्रांड एम्बेसडर रहे, फिर अक्षय कुमार जी रहे, इस बार भी बहुत से सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेलिब्रिटी खुद जयपुर मैराथन। और अब इसको किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत नहीं है प्रमोट करने के लिए, और जयपुर वासी इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि दे वेट फॉर दिस मैराथन, कि हमको रनिंग इज नाउ हेल्थ, जब तक हेल्दी सिटी नहीं होगी तब तक स्मार्ट सिटी भी नहीं होगी। तो सिटीजन का स्मार्ट होना और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, इतना बढ़िया कार्निवल का माहौल होता है, इतनी खुशी होती है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है इस जयपुर मैराथन से कि हम विश्व में जयपुर को सबसे सुंदर शहर बनाएं। हमारा जो एक लक्ष्य है कि हम एक जागरूकता ये पैदा करना चाहते हैं कि हम अपने शहर को सबसे सुंदर कैसे बनाएं। उसमें नई चीज़ों का निर्माण तो होता ही है, लेकिन जो चीज़ें हमारी धरोहर हैं उसको संभाल के रखना, साफ सफाई रखना, क्लीनलीनेस पे जोर देना, हेल्थ कॉन्शियसनेस रखना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, ऐसे बहुत से मकसद हैं इस मैराथन से जुड़े हुए जो एक सिटीज़न को अपने सिविक सेंस की जानकारी देते हैं। तो वो जब हज़ारों लोगों में ये चीज़ पहुंचती है और वो सेलिब्रेट करने सड़क पे आते हैं अपने शहर के प्रति प्यार दिखाने, सॉलिडरिटी दिखाने, ये एक मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट जाता है। और आज की तारीख में सुरेश जी ने बताया सारे पार्षद इसको लेके अपने अपने वार्ड्स में इस मशाल को जाएंगे और ये मैसेज देंगे कि हम अपने शहर को कैसे सबसे सुंदर बनाएं। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। WTP और संस्कृति युवा संस्था की ये पहल है और इसके लिए मुकेश मिश्रा जी जो इसके CEO हैं, मैं इनकी भरपूर तारीफ करूंगा कि ही इज़ डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर दिस मैराथन। एंड ये जयपुर मैराथन को पूरा संभाल रखा है इन्होंने और हमेशा नई ऊँचाइयाँ हो रही हैं। 20 देशों से ज़्यादा के धावक आपकी मैराथन में भागने आ रहे हैं, तंजानिया, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ऐसे बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, जहाँ से लोग जयपुर मैराथन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। ये जयपुर के लिए गर्व की बात है और इतना बड़ा पार्टिसिपेशन किसी नेशनल मैराथन में कहीं नहीं है। ये पहली मैराथन है जिसको मुंबई के बाद जिसमें वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन ने इसको मान्यता दी है, यानी कि जो आदमी यहाँ जो रिकॉर्ड स्थापित करेगा वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा। तो ये एक बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छी मैराथन है। मैं पुलिस के लिए ख़ास तौर से तारीफ करूँगा कि जिस तरीके से ये लोग इसको मैनेज करते हैं ट्रैफिक को और लोगों के लिए, एंड पुलिस कप इस बार ख़ास तौर से रखा है सुरेंद्र, और उस पुलिस कप में वी आर ऑनरिंग द पुलिस मैन ऑफ जयपुर, बिकॉज वी शुड रियली रिकॉग्नाइज द ग्रेट वर्क विच द जयपुर पुलिस इज डूइंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो वी थैंक यू फॉर डूइंग अ ग्रेट सर्विस फॉर द पीपल ऑफ जयपुर। विदाउट यू वी कैन नॉट बी अ स्मार्ट सिटी। आई ऑल्सो हेल फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर्स फैमिली, सो मेरा कुछ ज़्यादा ही प्यार है, बट द अमाउंट ऑफ वर्क विच पुलिस इज डूइंग इज फिनोमिनल। आई कॉन्ग्रेचुलेट द यंग स्टूडेंट्स हू आर हियर। When you see WTP, you must be getting inspired that we are world leaders.
So now you should be in the marathon also showing that you are world leaders. And run with this fact that you are showing to the world that there is nothing better than Jaipur in this world. Ye passion aapke andar utar lijiye ki Jaipur se behtar kuch nahi hai. Dedicate yourself to the city of Jaipur, you'll get a best life. Thank you.